हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं CUET UG की नोटिफिकेशन जो 9 फरवरी को NTA ने रिलीज कर दी है। सो इसका मतलब ये है कि 9 फरवरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, इसके स्कोर के बेसिस पे आप बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं सभी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूंगी। एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं कि एक साल का ड्रॉप है या दो साल का ड्रॉप है, तो क्या वो CUET UG में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड CUET UG के स्कोर के बेसिस पे आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे BSc फॉरेंसिक साइंस एडमिशन लेना है सागर यूनिवर्सिटी में, तो मैं CUET के स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे अप्लाई करूंगी। एंड अगर मेरा स्कोर अच्छा है तो ऑफकोर्स मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। सो ऐसे आपको टारगेट करनी है अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी और अपनी प्रेफरेबल यूनिवर्सिटी, हम ये कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज CUET। आपको याद ये रखना है कि आपका जो एग्जाम होगा वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप एग्जाम सेंटर्स पे जाएंगे, आपको सिस्टम अलॉट किए जाएंगे, कंप्यूटर्स अलॉट किए जाएंगे एंड उसके बाद आपका जो टेस्ट पेपर है वो कंप्यूटर में आएगा और आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आप 9 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास लास्ट डेट जो है वो है 12th मार्च की। 12th मार्च के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है? 12th मार्च से पहले पहले करना है। अगर आप सोचोगे कि ठीक है 12th मार्च तक टाइम है, 12th मार्च में ही कर लेंगे, सो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वेबसाइट पे, वेबसाइट क्रैश करती है और कई बार बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं फिल कर पाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 12th मार्च के पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। अब कुछ बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, तो उनके करेक्शन के लिए 15th मार्च से लेके 18th मार्च तक के आपको करेक्शन विंडो ओपन करके दी जाएगी, जिसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। जो एग्जाम सेंटर है, सिटी जो है, वो 30th अप्रैल आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड वीक, मे के सेकेंड वीक में आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड्स मिलने के बाद 21st मई 2023 से डिफरेंट डिफरेंट डेज में, डिफरेंट शिफ्ट में CUET UG के एग्जामिनेशन होंगे। आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, वो फॉलोइंग आपको डेज में एंड फॉलोइंग मंथ्स में आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। यहाँ पे दो वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के भी हम बात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप PDF से भी इनको विजिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पर। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखनी है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, तो उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अज्यूम करके एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर XYZ कोई यूनिवर्सिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज में इंग्लिश भी होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए, तो आपको लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट ना करें, तो एक बारी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे XYZ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला था XYZ यूनिवर्सिटी, तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके एक बारी उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है CUET UG से रिलेटेड, तो वो आपको देख लेनी है और आपको क्या करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं भी आपको बताऊंगी कि डोमेन्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन बच्चा कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स एक बार ही चेक कर लो। अब जो CUET UG है, ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करी जाती है, आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। एंड आपके एग्जाम पेपर्स कैसे होने वाले हैं, स्कीम क्या है, तो अभी हम एग्जाम पेपर की स्कीम देख लेंगे। टाइमिंग तो आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी पता चल जाएगी कि कौन से शिफ्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जाम स्कीम देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो हमारे पास 3 सेक्शन है, Section 1, Section 2 एंड Section 3। ठीक है, ये 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, इसमें बाइफर्केशन है 1A एंड 1B। So, इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज पेपर में आप अपनी
प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 20 लैंग्वेजों में से भी आपको जरूरी है लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अगर आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को एक बार ही विजिट करो, देखो कि वहाँ पे हिंदी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक लैंग्वेज पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है कि आपको 3-4 लैंग्वेज पेपर करने हैं, नहीं, आप एक लैंग्वेज पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आप लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो मैक्सिमम 40 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे 40 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं तो आप उससे कम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे बस बात यही है कि 40 से ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑप्शनल है, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, ठीक है। सो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपके पास 27 डिफरेंट डोमेन्स है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आए तो 35 अटेम्प्ट करने हैं, 50 आए तो 45 अटेम्प्ट करने हैं। आप इससे कम भी कर सकते हैं, पर ज्यादा करेंगे तो कोई सेंस नहीं है, बिकॉज आपको 45 ही करने हैं, दिस इज द मैक्सिमम। और माइनस मार्किंग बिल्कुल ऐसी है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1। सो +5 -1 की स्कीम तीनों ही सेक्शन में रहेंगी, 1, 2 और 3 तीनों में रहेंगी। अब यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है जनरल टेस्ट, ये तो ये जनरल टेस्ट ही रहेगा। सो 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन से रिलेटेड हम देखेंगे, जब हम लिस्ट देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट की, कौन कौन से डोमेन्स वहां पे हैं, तो वो हम देखेंगे। ओके, नाउ हियर इंपॉर्टेंट क्या है, आप सारे सेक्शन में मिला जुला के मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 10 से ज्यादा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रही हूं। जैसे कि मैंने अगर दो लैंग्वेज पेपर ले लिए, हिंदी और इंग्लिश, मैंने दो लैंग्वेज पेपर ले लिए तो ये दो सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, लेट्स से 6 या फिर +1 7 ले लेती हूँ, 7 डोमेन्स ले लेती हूँ टोटल, तो कितने हो गए, 7, 8, 9, और एक तो हो गया ये वाला आपका क्या, जनरल टेस्ट। तो ये तो एक ही है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे आप 7 मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, 7 डोमेन्स आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट जरूरी नहीं है कि 7 लेने हैं, या जरूरी नहीं कि 6 लेने हैं, आप 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो। पर बात यह है कि एक अगर आप सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में इशू होता है। वो कैसे इशू होता है मैं बताती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 12th में PCB है, तो आप PCB सब्जेक्ट लेंगे तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपनी स्कूल में भी पढ़ी है। ओके, नाउ हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भी ले सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भी ले सकती हूँ, बट आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना है, या फिर जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट करी है यूनिवर्सिटीज, उनको आपको विजिट करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पता लग रहा है आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदी ले ली, और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की भी है, तब फिर कैसे करोगे। तो इसी वजह से एक बार ही विजिट जरूरी है, आपको करना है। सो 10 से ज्यादा, मैक्सिमम 10 से ज्यादा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम है। आप इससे कम ऑफ कोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे 10 सब्जेक्ट लिख दिया है, 10 सब्जेक्ट लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि 10 ही ले लेंगे, ठीक है। माइंडफुली आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। इसके अलावा ये 3 शिफ्ट में होने वाला है, अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होगा। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, ठीक है। किसी भी अदर फॉर्म में आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा किसी भी सरकमस्टांस में किसी भी कैंडिडेट को 2 बारी या बार बारी एप्लीकेशन फॉर्म फिलने की इजाजत नहीं होगी। आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आपने कोई गड़बड़ कर दी फिर से फॉर्म भर लो, नहीं। आपको बहुत ही ज्यादा समझदारी से और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक कर करके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, अदरवाइज गड़बड़ हो गई तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जो ईमेल एड्रेस देंगे, आप जो मोबाइल नंबर देंगे, वो चालू हालत में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो नंबर डाल दिया है जो कि ऑन नहीं है, आपने ऐसा ईमेल एड्रेस दे दिया है जिसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा और ना ही रिकवर कर पा रहे हैं, तो आपको चालू हालत की ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है, ताकि अगर एनटीए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहे तो आप उसे रिसीव कर सको। इसके अलावा अगर आप एनटीए को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, एनटीए कौन सी इंस्टीट्यूट है, एनटीए वो इंस्टीट्यूशन है, फिर एनटीए आपकी ऐसी एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, तो एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर आप एनटीए को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो ईमेल एड्रेस एंड हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको ऑलरेडी इस PDF में दिया गया है,
ये मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी एंड ऑफिशियल साइट में भी आपको ये मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन ए से सेक्शन बी से आप अपनी अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, मैं आपसे क्या कह रही थी कि जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने अपनी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा अच्छी डील होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पीसीबी है तो मैं कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगी, मैं कर लेती हूँ बायोलॉजी, ठीक है, मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ, और मैं क्या सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, दैट्स इनफ, ठीक है। मैं बेसिकली जो बच्चे बीएससी, चाहे वो कोई भी बीएससी हो, अगर आप बीएससी करना चाहते हो, ये तीन सब्जेक्ट मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशियंट है, आप कर सकते हो और इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पर अगर आपको फॉर एग्जांपल बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करनी है, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का मन ही आपका पर्सनल चॉइस है, सो यू कैन इवन चूज एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपको हिस्ट्री चूज करनी है, तो आप हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं। सो टोटल आपके पास 27 डोमेन्स हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। और इसका सिलेबस ऑलरेडी एनटीए ने बताया हुआ है, आप कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो 27 सब्जेक्ट्स में से आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज करेंगे और इसी से ही क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं आपको ये सलाह दूंगी, मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपने, अगर आपने ट्वेल्थ में पीसीबी पढ़ी है तो पीसीबी चूज करो, पीसीएम पढ़ी है तो पीसीएम चूज करो, ठीक है। एंड अगर आपने और डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे लीगल सब्जेक्ट या कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, फिजिकल एजुकेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो फिजिकल एजुकेशन ले लो, है ना। सो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैंने क्यों बोला ट्वेल्थ में जो पढ़ा है वही लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी और प्रिपरेशन करने में आपको ईजी होगा, इसी वजह से आपको वही सब्जेक्ट लेना ज्यादा अच्छा होगा जो आपने अपनी ट्वेल्थ में पढ़ा है। इसके अलावा जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, वो तो जनरल टेस्ट का ही है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर चूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी इस नोटिफिकेशन में, इस पीडीएफ में। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन कर दी आप सभी को। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज ईजी है कि आप कॉमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि कौन से डोमेन सेलेक्ट करने और कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से सिलेबस डाउनलोड करना है जो फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। एंड दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, टिल देन बाय।